हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ। और ये रीडिंग होने वाली है सोमवार स्पेशल। भगवान भोलेनाथ का दिन है, श्रावण के सोमवार हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को और चेक करते हैं कि आपके लिए भगवान भोलेनाथ का क्या संदेश है आपके डेली लाइफ के लिए और आपकी लव लाइफ के लिए। तो यहाँ पर दो कार्ड रखे हुए हैं मैंने। इन दो कार्ड्स में से आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा हो, और उसके बाद देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं भगवान भोलेनाथ की। तो रीडिंग सभी के लिए है, सभी जोडियक साइन के लिए है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, अगर ये वीडियो आपके फ़ोन पर पहुंचा है, आपके सामने पॉपअप हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं और यूनिवर्स ये चाहती है कि ये मैसेज आप तक पहुँचें, इसलिए ये वीडियो आपके पास पहुँचा है। तो शुरू करते हैं हम कार्ड वन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। कार्ड वन, ऑफरिंग ऑफ डिवोशन। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, इसका मतलब है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप सांस ले रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप दूसरों की भलाई के काम कर रहे हैं, वो सभी गॉड को समर्पित करते चले जाइए। भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है, उसको भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। और अगर आपसे कोई बहुत अच्छा और भलाई का काम हुआ है, उसको भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। ये है इस कार्ड का मतलब। अब शुरू करते हैं हम रीडिंग को। आपके लिए यूनिकॉर्न ओरेकल डेक से दो कार्ड है, पर्सपेक्टिव, सोल सेटिस्फेक्शन। तो पहला कार्ड है हमारे पास पर्सपेक्टिव का। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव। मान लीजिएगा अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, जो आपको पिन करते हैं, आपको एब्यूज़ करते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, आपका हमेशा मोरल डाउन करते हैं। तो याद रखिएगा, ये लोग आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अगर आपको पिन नहीं करेंगे, अगर ये लोग आपके सम्मान को या मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तो आपके अंदर वो बदलाव नहीं आएंगे जो प्रकृति चाहती है कि आपके अंदर आएं। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आपको प्रकृति के साथ ही बदलते रहना है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि आपकी अगर किसी के साथ कोई अनबन है, तो उसको एक अलग नज़रिए से देखिएगा, उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखिएगा। हो सकता है कि आपकी ये जो अनबन है वो आपके लिए कुछ बेहतर फ्यूचर लेकर आ रही हो। हो सकता है कि आप इसकी अनबन से या इसके कटाक्षों से आहत होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो जो भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करिएगा। अगला मैसेज है सोल सेटिस्फेक्शन। एम फॉर दैट विच मेक्स सोल रिजॉइस। वो काम करिएगा जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है। मान लीजिएगा आपके अंदर कोई हॉबी है और उस हॉबी को आप एक मुकाम नहीं दे पा रहे हैं, एक स्टेज नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके लिए डिवाइन का मैसेज है कि आप अपनी उस हॉबी को, अपने हुनर को और तराशिए और उसको एक प्लेटफॉर्म दीजिएगा, दुनिया के सामने उसको लेकर आइएगा। अगर आपके पास फ़ोन है तो अपने फ़ोन पर अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए, आपके हुनर को पहचान मिलेगी। ऐसा यहाँ पर ईश्वर का संदेश है। अगला है, अगर आपका मन है कि आप शादी करें, शादी करने के बाद आप गृहस्थ आश्रम को जिएं, तो
तो आप वो कर सकते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। आप जो भी काम करते हैं वो काम पूजा बन जाता है, ऐसा भगवान भोलेनाथ का आपके लिए कहना है। तो ये मैसेज आपके लिए हैं। अब चेक करते हैं यहाँ से क्या है। ये आपके लिए लव एडवाइस है, ये हम बाद में चेक करेंगे। ग्रीफ, टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट। टीयर्स क्या है? जब हमें दुख होता है हमारे आंसू निकलते हैं, और आंसू निकलते हैं तो हम कहीं ना कहीं हल्कापन महसूस करते हैं। तो हमारे आंसू निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पर्जिंग हो रही है आपकी और टाइम टाइम पर हो रही है, लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, आप रोते हैं और फिर आंसू पोंछ कर खड़े हो जाते हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि आप उस दर्द से बाहर निकल आए हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको एक बार बुरे शब्द बोल रहा है तो आपको पहली बार में वो शब्द बहुत चुभेंगे, लेकिन फिर अगर वही बार बार बोलता रहेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति का बोलना व्यर्थ है, इसकी बातें मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती हैं, इसलिए लाइफ में आगे बढ़ो, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो जो आज आपको बोल रहे हैं कल उनके लिए कोई और बोलेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉन डुअलिटी, लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी साइन फोर्थ वाइल ऑल्सो बोइंग टू द इनर डिवाइन, यू कैन बिकम फ्लुएंट एट डूइंग बोथ। तो अपने अंदर की जो डिवाइन ऊर्जा है, आपके अंदर जो एक ईश्वर की शक्ति है, उसको राइज अप होने दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ का मैसेज है कि अपने अंदर की दिव्यता को और इन्हेंस करो और उसको बाहर आने दो। ये आपके लव मैसेजेस हैं जो भगवान भोलेनाथ की ओर से हैं आपके लिए। कार्मिक पार्टनर, अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई कार्मिक पार्टनर है और वो आपको टीज़ कर रहा है, परेशान कर रहा है, दर्द दे रहा है, या फिर आपका उसके साथ कोई कर्मा है, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपका कर्मा क्लियर होगा, ये व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाएगा और इसका कर्म बंधन कट जाएगा। पे अटेंशन टू द साइंस, अगर आपको कुछ अलग से साइन मिल रहे हैं, आपको फेदर्स दिखते हैं, तो मान लीजिएगा कि आपको एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं। अगर फेदर्स आपके आसपास बहुत गिरते हैं और आपको डेली दिखाई देते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बार बार क्यों दिखते हैं, तो गूगल करिएगा। एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं, उनको सुनिएगा। और अगर आपको बार बार कुछ नंबर्स रिपीटेडली दिखाई दे रहे हैं, तो उन नंबर्स पर गौर करिए, उनको गूगल करके देखिए कि उन नंबर्स में आपके लिए क्या मैसेज छिपा हुआ है। किड्स, अगर आप एक मदर हैं, एक फादर हैं, या फिर आप बच्चे चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पहले पेरेंट्स बनने की पात्रता पूरी करनी होती है। अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस को देखिएगा, आपके पास जो है क्या आप उसमें अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे को, और अगर कर सकते हैं तो आप रेडी हैं इसके लिए, ईश्वर के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके घर में बहुत जल्द बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो ये हैं मैसेजेस कार्ड वन वालों के लिए। आई होप कि आपको आंसर्स मिले हो, रीडिंग पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम गाइज, स्वागत है कार्ड टू के सभी व्यूअर्स का। आपका कार्ड है द बर्निंग फायर। चेक करते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। वंस प्योर कॉन्शियसनेस इज कवर्ड बाय द इंटरनल एनिमी लस्ट विच टेक्स मैनी फॉर्म्स एट बर्न लाइक इनशेटिबल फायर। भगवान भोलेनाथ का ये संदेश है कि आपके अंदर जो फायर है,
अगर वो गलत रूप धारण कर ले तो वो कभी कभी तबाही का कारण बनती है। मान लीजिए कि हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या ये दुर्गुण छिपे हैं, तो अगर ये एक बैलेंस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी ज़्यादा हो जाए तो लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है। तो अगर कुछ व्यूअर्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि उनको अपने अंदर के एंगर इश्यू को क्लीन करना हो, अपने अंदर के सेल्फ डाउट को क्लीन करना हो, तो आपके लिए ये मैसेज है भगवान भोलेनाथ का कि अपने अंदर के सभी दुर्गुणों को दूर करने के लिए कॉन्टम्प्लेट करिएगा और चेक करिएगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जो दूसरों को परेशान कर रही हैं या आप खुद भी परेशान हो रहे हो और आप उनसे अलग होना चाहते हो। तो जब तक आप अपना स्वमूल्यांकन नहीं करेंगे आपको अपने गुण और दोषों का पता नहीं चलेगा। यहाँ पर है आपके लिए सबसे पहला मैसेज। थैंक यू। ये आपके लिए लव गाइडेंस है, इनको हम बाद में चेक कर लेंगे। पहले देखते हैं यूनिकॉर्न ओरेकल डेक से क्या है आपके लिए। लाफ्टर इंट्यूशन। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न एक मैजिकल हॉर्स है जो लोगों की विश पूरी करता है, लोगों की ख्वाहिश पूरी करता है। तो अगर आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो यकीन मानिए आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिविटी आपसे कोसों दूर रहेगी और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत सारी हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। आपके अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर है, जो भगवान भोलेनाथ आपके अंदर बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कभी कभी तो मुझे सुन लिया करो, मैं अक्सर तुम्हें सही राय देता हूँ और तुम मेरी राय को नहीं सुनते हो, तुम तर्क लगाते हो और दिमाग की सुन के मेरी राय को अनसुना कर देते हो। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे मन के अंदर बैठा हूँ, कृपया कर उन बातों को ज़रूर से सुनना शुरू करो जो मैं अंदर से बोल रहा हूँ। तुम अक्सर दिमाग का तर्क लगाकर मेरी जो कही गई बातें हैं उनको नहीं मानते हो और इस बात से मुझे बड़ा कष्ट होता है कि मेरे खुद के बच्चे मेरी बात को महत्व नहीं दे रहे हैं। कंपेनियनशिप एक्सपेंसिवनेस। आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने रहन सहन को इंक्रीज करना है, अपने रहन सहन के स्तर को और इम्प्रूव करना है और अपने आप को एक खास एहसास दिलाना है, आपको अपने आप को ये फील कराना है कि यू आर द वन, यू आर स्पेशल, आप स्पेशल हो, एक्सपेंसिव हो, बेशकीमती हो। इस बात का आपको एहसास करना होगा और बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ये एफर्मेशन देनी होगी। कंपेनियनशिप, गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंस। आपके साथ अगर कोई पर्सन जुड़ा है और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है, फिर भी वो आपसे जुड़ रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी अच्छाइयाँ ज़रूर से हों जो धीरे धीरे आपको पसंद आने लगें। अगर नहीं भी पसंद आती हैं कोई बात नहीं, एक व्यक्ति जो आपको लाइक कर रहा है या कर रही है, थोड़ा सा उसको टाइम देकर देखिएगा। हो सकता है कि उसकी बुद्धिमत्ता की बातें सुनकर, हो सकता है कि उसके थॉट्स, उसके विचारों को जानकर वो आपको बाकी लोगों से अलग लगने लगे, बाकी लोगों से प्रिय लगने लगे। ये हैं आपके लव मैसेजेस। केमिस्ट्री रीचिंग कंक्लूजन्स। किसी खास पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है या आपकी पहले से ही किसी खास पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको इस पार्टनर का, इस पर्सन का साथ
बहुत अच्छा लगता है और इस पर्सन को भी आपका साथ बहुत बहुत क्रेजी करता है। ये पर्सन आपके साथ को पाने के लिए तरसते रहते हैं, ये कोशिश करते हैं कई बार लेकिन नाकाम हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा सा टाइम दो, आप इनको थोड़ी सी वरीयता दो, इनको महत्व दो कि ये आपकी ओर बढ़ सकें। इनको काफ़ी झिझक है आपसे बात करने में। अगर आप एक दो बातें थोड़ा सा आराम से पूछेंगी, बात करेंगी, हो सकता है कि ये अपने बहुत सारे राज आपको बताने के लिए बेचैन हों। रीचिंग कंक्लूजन्स, बहुत जल्द आपको कुछ चीज़ों के बारे में कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं, चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप हो, आपका जॉब हो, आपका कैरियर को लेकर कोई डिसीज़न हो, आपका आपकी फैमिली मेम्बर्स को लेकर कोई डिसीज़न हो, या कैरियर को बनाने के पीछे आपकी कोई मंशा हो, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, उनका कंक्लूज़न आपके सामने निकल कर आने वाला है। तो ये है भगवान भोलेनाथ के आप सभी के लिए मैसेजेस। आई होप कि आपको आपके आंसर्स मिले हो। फ्रेंड्स, रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।